आज युवा संसद का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ प्रशासन में बल्कि शासन में भी आप में से आने वाले लोग जाएंगे, और इसलिए सदन की प्रक्रिया को समझते हुए एक चीज जो कि आवश्यक मानी गई है वो युवा संसद। छत्तीसगढ़ बड़ा गौरवान्वित होता है कि हमारे यहाँ से माहिरा खान जो कि रायपुर की बेटी है वो जाकर के युवा संसद में पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करती है, और वहीं से हम भी इंस्पायर हुए और आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पर आज हम एक युवा संसद का आयोजन कर रहे हैं ताकि आप पार्लियामेंट की व्यवस्था को बढ़िया तरीके से समझ पाए। फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें युवा संसद का प्रावधान किया गया था कि जो हमारे देश का युवा है वो न सिर्फ सरकार की नीतियों का विरोध करता रहे बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया को भी समझे कि कैसे विधेयक बिल पास होते हैं, कैसे कानून बनते हैं, और कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना भी वो क्या ले, उत्तरदायित्व ले। दो चीजें होती हैं, एक जवाबदेही और एक उत्तरदायित्व। तो सबसे बड़ी चीज है, हम देखते हैं कि लोकसभा होता है राज्यसभा, उसमें 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है, और युवा संसद की यही पद्धति आने वाले समय में विकसित हुई है कि पहले युवा संसद में शपथ ग्रहण का समारोह होता है और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल आकर के मंच पर बैठता है। तो इसकी फॉर्मल शुरुआत मैं आज सृजन प्रोटेम स्पीकर के रूप में शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी सदस्यों से चाहूंगा, क्योंकि आप निर्वाचित होकर के आए हैं, तो हम सब शपथ लें और एक साथ खड़े होकर के शपथ लें ताकि हम फिर सदस्य बन पाए लोकसभा के लिए। तो सबसे बड़ी गुजारिश है कि आप सब साथ ही साथ में शपथ लेंगे। शपथ के लिए सब तैयार हो जाएं। श्रीमान, मैं सृजन, जो युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और देश की प्रभुता और एकता को बनाए रखूंगा, और जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का मैं श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। अब हम अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों को आमंत्रित करते हैं, तो जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं कृपया मंच पर आ जाएं। अध्यक्ष पद के दावेदार कृपया मंच पर आ जाएं। आइए, अध्यक्ष पद के हमारे दावेदार हैं एकचंद और प्रदीप। तो फनी मत से आप बताएंगे कि किसको आप अपने अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहते हैं। तो मैं नाम लूंगा और आप यदि हाँ कहते हैं तो लोकसभा की परंपरा के तहत आयस कहेंगे, और यदि दूसरे वाले के लिए आप समर्थन देते हैं तो उसके लिए नोएस कहेंगे। ठीक है, तो कितने लोग एकचंद के समर्थन में है? चलिए, कितने लोग प्रदीप के समर्थन में है? चलिए, प्रदीप के रूप में अध्यक्ष की हम नियुक्ति करते हैं। तो प्रदीप, अध्यक्ष के रूप में आप अपना अपनी आसंदी ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि सदन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश करें। मैं सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश देता हूं। मैं मंत्रिमंडल को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं मंत्रिमंडल से आह्वान करता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर मंत्रिमंडल आकर के अपना स्थान ग्रहण करे। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री के रूप में कृतिका को बुलाना चाहूंगा। मंत्रिमंडल के सदस्य भी एक एक करके आते जाएंगे और तालियां बजती रहनी चाहिए। बरखा, अंजलि, अर्जुन, मैं मंत्रिमंडल का मॉडरेटर के रूप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस युवा संसद में, और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस लोकतंत्र के स्तंभ में
आज हम युवा संसद का आयोजन कर रहे हैं कंपटीशन कमेटी के इस मंच पर, ताकि जो विद्यार्थी हैं संसद को लेकर के और ज्यादा सजग हो और न सिर्फ प्रशासन में बल्कि शासन में भी हमारे विद्यार्थी आगे जा सके। तो मैं सदन की कार्यवाही को शुरू करते हुए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी स्पीकर बरखा सोनी को, जिनकी लाइनों को लेकर के आपको बड़ा गौरव महसूस होगा कि आज वो हमारे बीच, जिनकी लाइनों को लेकर के माहिरा खान जो रायपुर की बेटी है उन्होंने युवा संसद में गर्जना की थी। तो आज हमारी स्टूडेंट बरखा सोनी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए। हाउ इज द जोश? अरे बोलो भाई, हाई से। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आज मैं अपनी पंक्तियों से ही अपने वक्तव्य का शुरुआत करना चाहूंगी जो हाल ही में संसद भवन में खूब इन्हें सराहा गया। तो मेरी पंक्तियां कुछ ऐसी थी कि जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब भी मकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एकजुट कहा, भारत को एकजुट कहा। आज मैं आप सभी के सामने अपनी कुछ वक्तव्य को रखना चाहूंगी जो मेरा संदेश है युवाओं को, और अभिव्यक्ति की जो आजादी है हमें किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए उस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगी। हिमालयात् सलारभ्यं याव इन्दु सरोवरम तं देव निर्मितं देशं हिंदुस्थानं पिचक्षते। हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक पहला देव निर्मित यह देश हिंदुस्तान कहलाता है, और हिंदुस्तान की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, जहां अभिव्यक्ति की मिली स्वतंत्रता संविधान ने दिया यह अधिकार। मैं बरखा सोनी आप सभी का करती हूँ सादर नमस्कार। सादर नमस्कार। मैंने क्या आप जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना हमें क्या संदेश देती है कि हम भारत के लोग, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को आत्मार्पित करते हैं। परंतु मुझे तकलीफ भी तब होता है जब इस देश में स्वतंत्रता की भावना, जब इस देश में प्रतंत्रता की भावना को फैलाया जाता है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का बहुत गलत प्रयोग करते हैं। एक युवा होने के नाते हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो प्राप्त है, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें इसका किस तरीके से प्रयोग करना है। मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूंगी कि जहां हमें अनुच्छेद 19(1) में यह कहा गया है कि हमें लिखित और मौखिक रूप से अपने वक्तव्यों को रखने की आजादी है, वही अनुच्छेद 19(2) हमें यह संदेश देता है कि किस प्रकार हमें अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना है, अर्थात हमें उसका सीमित तरीके से प्रयोग करना है। और आज हमें युवा होने के नाते, हमें पढ़े लिखे युवा होने के नाते आवश्यकता है कि हमें अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा पता है, और हम देश के प्रति निष्ठावान रहे, देश के प्रति सजग रहे, और देश के प्रति भक्ति की भावना हमारे अंदर हमेशा ऊर्जावान रहे। आज यदि मैं यूथ पर अपने वक्तव्य रखूं, तो मैं हमेशा यह कहना चाहूंगी कि आज का जो युवा है कहीं ना कहीं शिथिल होता जा रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन उसको उस पर हावी होता जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियों से ही आप सभी को थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहूंगी। वह पंक्तियां कुछ ऐसी है जिन्हें कविता तिवारी जी ने कहा है। कथानक व्याकरण समझे तो फिर भी छंद हो जाए, कि मेरे देश में तुमसे सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता विपरता मांगती सबसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता विपरता मांगती सबसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। यदि मैं अपनी पंक्तियां युवाओं पर बोलूं, तो युवाओं पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि यह राम की भूमि है, यह बुद्ध का ज्ञान है,
यहाँ राम की भूमि है, यहाँ बुद्ध का ज्ञान है, यहाँ चाणक्य की नीतियाँ है, यहाँ नरेंद्र की पहचान है, यहाँ हमारे महान युवा क्रांतिकारियों का बलिदान है, यहाँ कल्पना की उड़ान है और इस देश में हर एक युवा ऊर्जावान है, ऊर्जावान है। आवश्यकता है हमें अपनी ताकत और अपनी शक्तियों को पहचानने की, और आज हम अपने अधिकारों को जानते हुए अपने हित की जो चीजें हैं इस देश में प्राप्त कर सकते हैं। मैथिलीशरण गुप्त जी की पंक्तियों से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। उन्होंने भारत को गौरवान्वित करते हुए बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं, और उनका ये संदेश है कि किस प्रकार भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, तो क्यों यहाँ पर युवा शिथिल हो जाता है। तो उनकी पंक्तियां भारत के प्रति उन्होंने समर्पित की है कि आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वो प्रश्न पहले हल हुए थे हमारे हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में ये पहले निश्चित हुए, ये पहले निश्चित हुए कि हम थे धनुर्वेदक जैसे, हम थे धनुर्वेदक जैसे, और वैसा कौन था जो शब्द वेदी बाण छोड़े, शूर ऐसा कौन था, हे कर्मवीर की मृत्यु का भी भान हम करते न थे, हे युद्धवीर की काल से भी हम कभी डरते न थे, हम कभी डरते न थे। आवश्यकता है युद्ध होने के नाते हम इस देश का क्रियान्वयन अच्छे से करते हैं, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ओजस्वी भाषण आज हमें हमारे मंत्रिमंडल से देखने को मिला, और यदि वाकई में हमारा मंत्रिमंडल इतना शिक्षित हो जाए, इतना शानदार हो जाए कि वो जवाब कहीं उसकी तय कर सके, तो वाकई में हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हमारा युवा, जो हम युवा संसद आयोजित कर रहे हैं, उसकी सार्थकता इसी में। तो मैं अब कार्यवाही को शुरू करते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री रूपिका जी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो शुरुआत करें। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रश्नकाल, तो ये प्रश्नकाल की शुरुआत है कि आप जो लोकसभा के सदस्य हैं, और साथ ही साथ सारे के सारे जो सदस्य हैं, वो पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, और मंत्रिमंडल आपके लिए उत्तरदायी है, आपके लिए मंत्रिमंडल जो है ये आज आपकी जवाब को ही तय करेगा। कृपया प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है, हम लगातार ही देश के विकास और प्रगति की ओर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमें ये जानकारी मिली है कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जिसके लिए हम जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं। हम और हमारा मंत्रीगण यहाँ उपस्थित है आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कृपया निसंकोच आप हमसे जो मन में आए वो क्वेश्चन करें, हमारी पॉलिसीज, हमारी स्कीम्स और जो अफेयर्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मन में हैं, वो आप हमसे पूछें। हम आपके जवाबों को जितना पॉसिबल है वो हम देने की कोशिश करें। हमारी कैबिनेट को हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर चंद्रभान, हमारे कल्चरल मिनिस्टर मिस्टर नरेन, महिला और बाल विकास मिनिस्ट्री की हेड है वर्षा जी, और हमारी होम मिनिस्टर अंजलि जी, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन। हम आप सभी के क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं, प्लीज स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल जोश के साथ जैसा सेशन चलता रहा है, अपने जोश के साथ क्वेश्चन करना शुरू किया, और मंत्रिमंडल आपके प्रति उत्तरदायी है। जैसा मंत्रिमंडल, जो मंत्री परिषद है पूरी, वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आज ये आपके प्रश्नों का जवाब देंगे प्रश्नकाल में। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। My question is for the sports minister. So I wanted to ask, what is meant about the protesting wrestlers, and what is stopping the government from taking? मैं एक बार प्रश्न क्लियर कर दूं, इनका जो प्रश्न है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से है,
कि अभी जो हमारी महिला पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रही है उसका कारण क्या है और आने वाले समय में हम क्या चीजें होते हुए देख सकते हैं। हेलो सदन को मेरा प्रणाम। अभी वो जो क्वेश्चन है बहुत एक बर्निंग इशू है हमारे बीच में कि प्रेसलेस का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट शांत क्यों है, और बातें घूम के वापस उन चीजों में आ जाती है कि हम जब शपथ लेते हैं सबसे पहले तो हमारा शपथ ही ये होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है अगर ये मैटर आ जाता है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है अक्यूज के प्रति। तो मेरे से तात्पर्य है हमारा जो गवर्नमेंट है उनके आइडियोलॉजी में सिर्फ ये बात खटकती है कि हमने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात कही उसी का आर्टिकल 20 हमको ये कहता है कि कोई आदमी जब कॉन्विक्ट होता है तो उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन का पूरा राइट मिलता है कि वो अपनी केस जो है लड़ सकते हैं। उसको इवन गवर्नमेंट उसको एक लॉयर अवेल कराती है जिससे वो अपना केस लड़ सके, और क्योंकि जो एमपी का सवाल आया है वो केरला से बिलोंग करती है तो मैं लैंग्वेज स्विच कर रहा था उसमें। सो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज द प्रोसेस ऑफ मीडिया बैन शुड बी स्टॉप इमीडिएटली इन आवर कंट्री which is not held in the constitution. We are here only to protect and to follow the constitution. So, every word of the constitution goes beyond our imagination. So, we should have this ideology or this motto to protect each and every word of our constitution. And describing this topic, I'd like to pick up a few points regarding this topic. First of all, there is an allegation that government is not taking any step in mediating between these issues. So I would like to say that day before yesterday, our honorable president of Indian Olympic Committee, P.T. Usha ji, was there to have a healthy conversation with the wrestlers and to know their point of view regarding these issues. But what we noticed what happened there during the protest, it was a total failure of law and order. The protesters who were protesting there, instead of protesting silently and in a lawful manner, what they did was they heckled the honorable president of the Indian Olympic Committee, which is totally not bearable. We should not stand with these type of activities. We are here to serve the public, and public also has the responsibility to treat the elected representatives with all the dignity and all the respect which we deserve. So coming back to the topic, since this is a matter that has to be dealt in the judicial way, it will be totally unfair for us, the member of the legislature, to take any action which bypasses or rather surpasses the judicial system. So at the end of the day, judicial system is the supreme. So Supreme Court will have the authority to take any action or rather take a verdict. So the taking a verdict is not under our control. We are just here to follow the state executive and to be a part of a healthy legislature. So rather than becoming judges ourselves, we should wait for the Supreme Court to take any action, and we should make the legal force to take its action rather than being the judge ourselves and passing the verdict. ऐसा लगता है कि आप सब मंत्रिमंडल से सहमत दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिमंडल ने एक बहुत अच्छी बात कही स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि संविधान के हिसाब से प्रक्रिया होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब अवगत हैं इस चीज से कि न्यायपालिका में कई बार इतनी देरी हो जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना। जस्टिस यदि लेट से मिलता है तो वो डिनाई कर दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो आप में से कोई लोग जो ये तारांकित प्रश्न था, ये स्टार्ट प्रश्न था, ठीक है, तो ये तारांकित प्रश्न में आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन द स्टार्ट क्वेश्चन। कौन पूछना चाहता है, प्लीज। सीधा प्रश्न है कि गवर्नमेंट क्लेरिफाई क्यों नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपना बचाव क्यों करना चाह रही है इसको। Again, the topic reverts back to the same point that we have to follow the legal course, we have to wait for the judiciary, and
being at the capacity of the sports minister, that's what I can tell you about this topic. But being as the spokesperson of our government, I'd like to state a few points which may be of a major concern. First of all, this matter could be, I'm not here to pass any judgment, but I'm saying that this could be politically motivated movement. Because we can see that the wrestlers who are protesting there are not willing by themselves to have a dialogue, and rather it's very unfortunate that yesterday when I was going through the interview of one of the leader who's in forefront of the wrestling protest, I would not like to name them or shame them, but that specific person stated that their belief has long back derailed from our judicial system, and they believe in the judgments of half panchayat, which is a totally unfortunate situation which I had to unfortunately witness in that press conference. So this is not the way the protest should happen. We should have our total faith in the legislature as well as the judiciary. Judiciary is there to answer all your questions. It is there to give the fair justice to the victims and to punish the accused. We should not rely on any non-government organization or rather non-official organizations such as Haap Panchayat or some informal panchayats. We should never rely on them. Our reliance and our justice and our trust should be only and only on Supreme Court. That's it. I'd like to end my point. Thank you so much. स्पोर्ट्स मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया और इस पर आंसर किया. एक स्टार क्वेश्चन, एक पूरक प्रश्न आप और पूछ सकते हैं. ये एक पर देखिए, एक स्टार्ट क्वेश्चन, एक तारांकित प्रश्न पर जो प्रश्न पूछने वाला है वो दो पूरक प्रश्न पूछ सकता है. उसके अलावा एक पक्ष और विपक्ष का व्यक्ति पूरक प्रश्न पूछ सकता है. विपक्ष से हमारे बीच एक मेंबर है जो पूछना चाहते हैं प्रश्न. यहाँ मंत्रिमंडल की इस्तीफा देने की बात कही गई है, तो मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव की एक प्रक्रिया है, तो वो हम लास्ट में एक बार पारित करा लेंगे. नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब तक की प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रहे. इनका बहुत शानदार सवाल है कि सारे लीगल पॉइंट्स मंत्री महोदय के सही हैं, लेकिन जहां तक महिला के सम्मान की बात आती है वहां हम हमेशा कानून की बात करने लगते हैं. तो यहां भी हम कानून की बात कर रहे हैं, और जो महिला रेसलर्स जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर भी स्पोर्ट्स में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, क्या उनके लिए कोई त्वरित निर्णय नहीं ले सकती सरकार? बहुत शानदार प्रश्न है. महोदय, मैं आपका जवाब देना चाहूंगा. और क्योंकि हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी के एक प्रतीक है, तो आपको बिल्कुल हक में जो आप चाहते हैं अपना बात आप रख सकते हैं, और सादर पूर्वक हम आप उसका एक्सेप्ट करते हैं बातों को. तो जैसा आपने सवाल किया कि तुरंत इस चीज का निर्णय क्यों नहीं लिया जाता, तो ये तो वही बात हो गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा का भी बात करेंगे या फिर कानून को भी हाथ में ले लेंगे. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा उनके आपने गोल्ड मेडल्स को उनके मेडल्स के आड़ में आपने ये बात रखी, तो मैं कहूंगा कि उनका जो अचीवमेंट है वो अनपैरेलल्ड है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. और हम बहुत इज्जत करते हैं ऐसे लोगों का, प्रतिभावान लोगों का, जो देश के लिए देश का झंडा ऊंचा लहराते हैं और मेडल्स जीत के आते, चाहे कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक्स को. और क्योंकि आप जानते हैं कि आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार चाहे जीता हुआ चाहे हारा हुआ पार्टिसिपेंट हुआ सबके लिए चाय पे चर्चा किया उन्होंने, चाहे ओलंपिक्स के बाद वो लौट के आए चाहे वो कॉमनवेल्थ के बाद लौट के आए, भले जीते हुए या भले हारे हुए हमारा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहा है. जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स का बजट देख सकते हैं कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, या फिर आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख सकते हैं साई, जो कि जिसका तो प्रत्यक्ष ही यही है कि हमारे मेडल टैली में एकदम मतलब पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और हमारा मेडल टैली पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है अभी, और कंपेयर टू प्रीवियस कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स. तो सरकार ने फैसिलिटी देने की एक भी प्रक्रिया को छोड़ा नहीं है. वी हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड. वी हैव गॉन टू द अनइमेजिनेबल एक्सटेंट टू गिव द फैसिलिटीज टू अवर स्पोर्ट्समैन व्हिच वाज नॉट डिलीवर्ड सिंस पिछले सत्तर सालों में ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली थी जो हमारे सरकार ने दी है. और स्पोर्ट्स के आज इस लेवल में है, आज हम इतने मेडल्स जीत रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष और क्या चाहिए आपको. और हमने और ऐसी चीजें इंसिडेंट्स देखो, ये एक्सीडेंट्स हर जगह होती है, हर कंट्रीज में होती है, और उसकी प्रक्रिया भी होती है. जुडिशियल सिस्टम इसीलिए है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते. आपने जो कहा
भले जजमेंट में थोड़ा डिले होगा, मगर हम ये श्योर कर, हमारी जो सरकार है वो इस चीज का श्योरिटी देती है आपको कि कोई भी जो इनोसेंट है उसके ऊपर चार्ज फाइल होगा और जो विक्टिम है उसको पूरी पूरी जस्टिस मिलेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं, हमारा सरकार लेता है। क्योंकि हमको पता है कि एक गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक का एकमात्र वोट, और एक वोट के लिए भी सरकार उत्तरदायी है। वी आर आंसरेबल फॉर अ सिंगल वोट डिलीवर्ड टू अस बाय द वोटर्स। तो एक प्रश्न, इसमें बहुत शानदार तरीके से मंत्री जी ने जवाब दिया। मेरे हिसाब से विपक्ष और विपक्ष, यही लोकतंत्र हमारा है, एक पक्ष से भी सवाल आया, एक विपक्ष से भी सवाल आया, ऐसा नहीं कि पार्टी या दलगत राजनीति का मामला है। तो मेरे हिसाब से आप सब संतुष्ट हो गए होंगे। तो एक नया प्रश्न इसी मैटर पर, या फिर पूछना चाहे, एक चीज मैं ऑपोजिशन के सामने रखना चाहूंगा कि आपने बार बार, मैंने देखा कि आपने बार बार ये कहा कि अक्यूज्ड को क्यों नहीं मिल रहा, अक्यूज्ड को क्यों नहीं मिल रहा, जब तक कि अभी तक कोई जजमेंट आया ही नहीं है। और अगर ये हमारे सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र हो और अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक मूवमेंट हो, तो आप क्या इस चीज के सपोर्ट में रहेंगे कि जितने लोग इन्वॉल्व है सबको उनके मेडल से स्ट्रिप कर दिया जाए और उनके सारे अवार्ड्स वापस ले लिया जाए? इसका उत्तर है विपक्ष के पास, कोई दूसरा व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है। जब से मैं देखा हूँ कि आपकी सरकार जब से आई हुई है, सिर्फ आप बोलते हैं, करते कुछ नहीं, आप सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहूंगा कि ये रेडियो में जाके मन की बात करने से, आपके आपके मन की बात करने से ऐसा तो नहीं है कि सारे सबको सारे छुट्टी मिल जाए। आप आपने कभी गया, आपके आपके कोई उसके मंत्रिमंडल के किसी ने भी कांग्रेस के पास गए, उन्होंने उनकी इच्छा जाननी चाहिए? मैंने आपको मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने आप क्यों नहीं गए, आपने पक्ष के लोग क्यों नहीं गए, उनके क्यों जा रहे हैं? सर, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो प्रेसिडेंट है वो हमारे ही तरफ से गई थी मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बात वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम अभी जुडिशरी का वेट कर रहे हैं कि मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और क्योंकि आपने कहा कि हमारे सिर्फ हॉलो प्रॉमिसेस हैं, हमारे वादे खोखले हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ की जो मेडल टैली की जो एविडेंसेस हैं, क्या उससे प्रूव नहीं होगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी दिया हमारे प्लेयर्स को, और ये मेडल टैली इतनी ज्यादा क्यों आई हमारे सरकार के आने के बाद? और ऐसा पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि हमारी सरकार जब आई तो हमने श्रीमान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको हमने पहली बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सौंपा। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हैंडल करके इस लेवल पर लेके गए। तो थोड़ा क्रेडिट तो हम भी रिजर्व करते हैं। देखिए, मैं भी इसका आंसर करना चाहूंगी। जैसा आपने मन की बात के सवाल उठाया, तो मन की बात लाने का उद्देश्य यही है कि मन की बात से यहाँ पे गांवों के हर एक व्यक्ति तक पहुँचना। और वो आज आप सभी जानते हैं कि हमारी मीडिया किस प्रकार, हम मीडिया में कुछ कोई भी बात रखते हैं तो हर एक लोगों तक वो पहुँचती है। लेकिन हमारी सरकार का ये इनिशिएटिव है कि हम मन की बात करके वो छोटे छोटे लोगों, छोटे छोटे व्यापारियों तक पहुंचते हैं, उनको हम पर्सनली उनसे बात करते हैं, उनकी सराहना करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मन की बात को इस तरीके से रखें, और खुली बात रखने का केवल ये मकसद है कि हम हर एक छोटे छोटे बच्चों, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उन तक पहुँचे। ये यही लोकतंत्र की विशेषता है कि आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल था कि मन की बात करना ही नहीं है, मन की बात सुनना भी जरूरी है, तो उसी के लिए जनता ने आपको निर्वाचित करके भेजा है। और लोकतंत्र के अंतर्गत आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे, क्योंकि ये प्रश्न आपके नहीं, ये प्रश्न जनता के हैं। जैसा कि हमारे शानदार व्यक्तित्व में हमारे विपक्षी साथी, उन्होंने आक्रामक तरीके से मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ लिया। जैसा कि आपने कहा कि आप हमारे वोट के लिए, वोट के लिए आप उत्तरदायी हैं,
तो जैसा कि डायरी एक्ट तहत जब डायरी एक्ट जब पास हुआ था तो उनसे मतलब डायरी एक्ट पास होने के तहत जितने भी उनसे पीड़ित महिलाएं थी सबको मतलब इंसाफ करने का दिलाने का किया गया था सरकार की तरफ से। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर ये असल मुद्दा है असल हुआ हो तो जब सरकार की सरकार के सामने पहली बात आई हो यहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का वास होता है तो ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर आगे इनका सवाल है तो कृपया मंत्रिमंडल में से कोई से भी कोई भी जवाब दे सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड टॉपिक है तो मैं हमारे कंसर्न कैबिनेट मिनिस्टर को ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ऐसा नहीं कि कोई एक्ट नहीं है, एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और नियमित तौर पे उस एक्ट के थ्रू कार्रवाई की जाती है। तो जैसे ही सिद्ध हो जाता है कि जो भी संबंधित हैं कोई यदि दोषी है तो उनके एक्ट के तहत कार्रवाई जरूर की जाएगी। बस आपको थोड़ी धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ी पेशेंस रखने की आवश्यकता है और सरकार से भरोसा रखने की आवश्यकता है। मैं बस आपसे यही अनुरोध करूँगा। हेलो, बहुत बढ़िया है, शानदार। पीछे हमारी दर्शक दुर्गा में पत्रकार भी बैठे हुए हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकार भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। या पूरक प्रश्न पूछना चाहे इसी प्रश्न पर तो इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ एक्ट की बात की, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की बात की, आप इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए पहले से आर्टिकल में मतलब मेंशन है कि नहीं, वो आर्टिकल में मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पीड़ित और भी महिलाएं जिनकी आवाज़ मतलब आप तक नहीं पहुंच पा रही हो इस इंसाफ के दौर में आप उनकी भी मदद करें, उनको भी सहायता पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि एक नेशनल इशू है और इस इशू के चलते दुनिया में मतलब हमारे देश में जितने भी इशू चल रहे हैं उस पर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए और जा भी रहा है और इससे संबंधित हमारी सरकार संज्ञान ले भी रही है, संबंधित राज्य सरकार से हम संपर्क में हैं, उनसे वहाँ की कानून व्यवस्था वहाँ जो भी ऐसे इशू आ रहे हैं उनके संबंधित हम जानकारी ले रहे हैं। तो बस यही है कि समय है कि थोड़ा जो प्रोसीजर स्टेब्लिश है लॉ की बात करते हैं उस पर ध्यान रखकर हम थोड़ी वो आगे बढ़ें और जो भी प्रक्रिया चल रही है उसका सम्मान करें। इस पर पूरक प्रश्न यदि कोई पूछना चाहे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न एक पक्ष से एक विपक्ष से। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय ने आप लोगों को सेटिस्फाई कर दिया है। एक पूरक प्रश्न आता ही हो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो महिलाओं को लेकर जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं तो आपने बोला कि हम एक्ट के तहत मतलब जो भी क्रिमिनल है उसको सजा देंगे, तो ऐसी घटनाएं बहुत समय से होती जा रही हैं तो आप लोग के द्वारा ऐसा कुछ कानून बनाया जाए जिससे कि आगे ऐसी कोई घटनाएं ना हो या कोई महिलाएं आगे पीड़ित ना हो, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं आपका आंसर देना चाहूंगी कि महिला और विकास मंत्री होने के नाते हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे भारत में कि हर घर में आज महिलाएं जो है आगे उत्तर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नारियों का जो सम्मान है हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि नारियों का सम्मान हमेशा बने रहे और नारियां अपने स्तर पर उठकर भारत को गौरवान्वित करें। लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं कि इसके लिए कानूनी प्रावधान होता है और कानूनी प्रावधानों पर कानून अपना काम करती है और हम उन्हें निर्देश देते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हैं पूरे देश में ना। भारत में एक बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना पड़ता है और कानून अपनी प्रक्रिया के तहत चलती है। तो मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारे देश में
नारियों का सम्मान सर्वप्रथम रहेगा और नारियों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे नारियां अपने देश में अपने आप को असुरक्षित रह सकती है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान सभी नारियों को जिनके ऊपर ये केसेस होते हैं उनको जरूर उनके लिए हम आवाज उठाएंगे और उनके लिए जरूर काम करेंगे, उनको तो करने का मौका उनके लिए इंसाफ जरूर होगा। इनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते वो आपकी पार्टी के मेंबर भी हैं, एमपी भी हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के मेंबर को बताना चाहते हैं ताकि आपकी पार्टी की साख बनी रहे? देखिए, हम अपने एमपी को बताने के लिए अगर पूरे अपने जो लेजिस्लेचर है उसको जेपरडाइज कर दें, उसको दांव पे लगा दें, तो ये बड़ा ही मतलब इस बात का कोई एक नसीर न पैर वाली बात हो जाएगी कि एक एमपी को बचाने के लिए हम अगर अपनी पूरी सरकार को दांव पे लगा देते हैं। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा ही चाहे हमारे पीएम पर्सनली या फिर ऑफिशियल कैपेसिटी में हमेशा ही रेसलर्स और स्पेशली जो रेसलर फैमिली अभी प्रोटेस्ट में है उनके काफी करीब रही है स्टार्टिंग से, चाहे उनको सपोर्ट करने की बात हो फाइनेंशियली या फिर उनको फैसिलिटीज देने की बात हो, तो ये बात कहना बड़ा ही एक मतलब इमेच्योर होगा कि हम एक एमपी को बचाने के चलते पूरी पूरी अपनी जो लोकसभा है उसको दांव पे लगा दे। और हमारी सरकार ऐसी रही है कि जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं उसको हमने हमेशा ही किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया है और ना ही हम कभी फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि 70 साल जो देश ने जिस चीजों से गुजरे हैं वो अगले 70 साल तक तो उस चीज से ना गुजरे। तो होपफुली अगले 70 साल तक हम आएंगे और उसके बाद भी और 70 साल हम आएंगे, तो हमारा तो यही गोल है कि हर बार ऐसा परफॉर्मेंस करें कि अगला इलेक्शन भी हम जीत जाएं, ना कि एक एमपी के चलते हम पूरे अपने लेजिस्लेचर को दांव पे लगा दें। थैंक यू। एक पूरक प्रश्न पहले आता हुआ इस पर, फिर सदस्य से सवाल। एक पूरक प्रश्न पहले आता हुआ, मैं मानता हूं कि आपके एमपी अभी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें आपका मत क्या होगा? जी बेसिकली बात यही है, एमपी इनके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले, ऐसा एक प्रश्न आया है। जी बेसिकली बात यह है, एमपी को अगर हम अपने पार्टी में ही डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी में क्यों हम उसको डिफेंड करेंगे? और जो इलीगल एक्शन है वो तो होगी होगी, क्योंकि मैंने बार बार कहा है और आगे भी कहता रहूंगा कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सर्वोपरि है, ना कि जैसा रेसलर्स ने कहा कि हमें खाप पंचायत पे विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और क्योंकि जो मंत्री है उसको हम हमारे पार्टी में रहते हुए अगर हम उसको डिफेंड ना करें और ये चाहें कि उसके ऊपर जो लीगल कोर्स है वो हो, तो दूसरी पार्टी में अगर स्विच कर जाए तो ऑब्वियसली हम तो और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से एक्शन लिया जाएगा उस एमपी के ऊपर। थैंक यू। सबसे पहली बात तो यदि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो दल बदल कानून के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ उनकी लोकसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो ऐसा डिसीजन तो नहीं लेंगे। एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता हुआ, पूरा प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नया क्वेश्चन आता हुआ। चलिए, इसके लिए आपने 10 दिन पूर्व सूचना दे दी थी, तारांकित प्रश्न के लिए 10 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए आपने जो कहा देश में कानून के लिए, अगर घर में महिला मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही है तो उसके लिए आप क्या? उसके लिए बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी आगे की जो भी परेशानियां हैं वो शेयर करके उनके जवाब ले सकते हैं। इसके लिए सरकार हमेशा ही हर तरीके से वुमेन सपोर्ट करती आई है और आगे भी करेंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज हो तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप सेक्रेटरीट से कलेक्ट कर सकती हैं। इनका कहना है कि हेल्पलाइन नंबर्स हैं महिलाओं के लिए, अब यदि महिला की यदि दुर्गति हो रही घर में तो ये भी कहना मुश्किल है कि इस तक फोन उपलब्ध है या नहीं, तो इसके संबंध में भी हम थोड़ी सी क्लैरिटी चाहेंगे प्रधानमंत्री महोदया से, क्योंकि हमें लगता है कि वो नारी शक्ति के लिए बहुत सही काम कर रही है और उनका एक प्रतिबिंब भी है। दूरस्थ इलाकों की महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? दूरस्थ इलाकों की महिलाओं के लिए जो गाँव में रहती है उन तक, ऐसा नहीं कि आज सबके पास मोबाइल है ये कहने की बातें हैं, दूरस्थ गांव में आप जाइए, बस्तर के एरिया में जाइए, वहां आज भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहां के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी हमारी जो योजनाएं हैं, हम योजनाओं पे बात
करते हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन भी करते हैं। आज नारियों के लिए आपने जैसा कहा कि घरों पे प्रताड़ना हो रहा है या फिर दूरस्थ जगहों पे महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमारी सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए है, आवश्यकता है। हम इस सरकार में रहते हुए सभी भारतवासियों से आह्वान करना चाहेंगे कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो एक इनिशिएटिव लीजिए और दूरस्थ इलाकों में जाइए और अपनी शिक्षा का प्रसार कीजिए। आप एक इनिशिएटिव ले सकते हैं और हर साल हम ये देखते हैं कि जनगणना होता है, हम ये देखते हैं कि हर चीजों का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाता है। तो भारत में युवाओं की संख्या कितनी ज्यादा है, भारत में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ योजना पर तो नहीं रह सकते, हमें योजना तो पता है लेकिन हम पढ़े लिखे हैं इसका हम क्या प्रमाण दे रहे हैं? हमें तो प्रमाण देने की आवश्यकता है ना, आवश्यकता है। यदि हमारे पास शिक्षा है तो उस शिक्षा का प्रसार हम दूरस्थ इलाकों में जाकर करें, आवश्यकता है हम उसको हम उन सभी बच्चियों को जागरूक करें, आवश्यकता है हम संचार क्रांति, जैसे कि आज हमारी भारत सरकार ने संचार क्रांति को लेकर आया है और कोरोना जैसे फेस में आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार दूरस्थ इलाकों की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, सभी ने संचार क्रांति का बहुत अच्छे से प्रयोग किया। तो आज सरकार संचार क्रांति के तहत महिलाओं को मोबाइल भी बांट रही है और बहुत सारी ऐसे कार्यों को किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, और ये व्यक्तिगत मैं कहती हूँ कि ये व्यक्तिगत चॉइस है या फिर जो आप बोलते हैं कि हमारे ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है या महिलाएं जो है वो उठकर खड़ी नहीं हो पा रही है या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब एक महिला की शादी होती है और उनकी जो जब शादी किया जाता है तो हम अक्सर कि बहुत सारी चीजों को परखा जाता है, बहुत सारी जगहों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन पुरुषवादी जो मानसिकता अगर हम बोले इनको खत्म करने के लिए इसका सिर्फ एक ही बायस है, शिक्षा। और शिक्षा का प्रसार हर गांव, हर गली और हर जगह हो रहा है, आवश्यकता है हम सभी को जागरूक होने की और उन सभी तक नॉलेज पहुंचाने की। और हम जागरूक रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे, तो मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि ऐसे जो व्यवहार हमने सदन की गरिमा को बनाए रखें। हेलो, मेरा एक और क्वेश्चन है क्रॉस क्वेश्चन से, जो जहाँ तक ये शिक्षा आपकी जा नहीं पाती है, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर की महिलाएं बाहर भी नहीं निकल पाती, वहाँ पे आप अपनी ये शिक्षा का प्रसार कैसे करें? बहुत शानदार प्रश्न इनका। और महिलाएं जहाँ घरों से निकल नहीं पाती हैं और आज आप उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, 75 साल में आजादी के बाद भी आज सिर्फ महिलाएं इसलिए कॉलेज नहीं जा पा रही कि जो अगली चौक पर जो पुल है वहां लड़के उनको छेड़ते हैं और उनके घर वाले सिर्फ उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप फोन चला रही हैं, आप 75 साल बाद, तो आप इन चीजों को कैसे आप इंश्योर कर रही हैं? मैं प्रधानमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि इस चीज का जवाब दें। ये बहुत ही दुखद है अगर जो आप कह रही हैं कि महिलाओं को शिक्षा की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, बिकॉज वो ऐसी प्लेसेस में रहती हैं जहां उनके पास स्कूल होते हुए भी वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये बहुत दुखद है और इसके लिए हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, हम जगह जगह पर अपने एजेंट्स अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो घर घर जाकर महिलाओं से बातचीत करें और उनसे उनकी परेशानियां, चाहे वो घरेलू रूप में हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से, अगर वो किसी भी तरीके से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनसे बात करके उन चीजों का सॉल्यूशन दे सके। इसके लिए बहुत बहुत बारीकियों से हमारी सरकार बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करके लोअर लेवल तक पंचायत के थ्रू लोगों के घर घर जाके हर किसी को रीच करने की कोशिश कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज के लिए कि जल्द से जल्द ये जो केसेस है ये जीरो लेवल पे आ जाए, पर अगर अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर हम इस पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं और करेंगे ताकि आगे ऐसा ना हो और जल्द से जल्द ये परिस्थितियां खत्म हो। ये बातचीत से ही बात बनती है और आप सब लोकसभा के सदस्य हैं, उस नाते अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आपकी भी ये जिम्मेदारी कि आप सरकार की योजनाओं को, चाहे आप पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए इन योजनाओं को क्रियान्वित करें। इस पर यदि कोई पूरक प्रश्न है तो नहीं तो फिर हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं। एक टॉपिक आज हमारे डिस्कशन का है 377 समलैंगिकता, और अभी अभी समलैंगिकता को
होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, यानी पहले इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है वो समलैंगिक विवाहों को लेकर के चल रहा है, जिसमें सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। तो मैं इस टॉपिक पर आपके प्रश्न अब आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरा सवाल कल्चर मिनिस्टर से ये है कि सेक्शन 377 समलैंगिक विवाह, जो एक बड़ी चर्चा का विषय है, इस पर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, इस पे हमारी सरकार ये कहना चाहेंगी, आप भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, आपको समानता का अधिकार है, उनको भी समानता का अधिकार है, जो संविधान आपके लिए लागू होता है वो संविधान उनके लिए भी लागू होता है, लेकिन अगर किसी संविधान के पार्ट से उनके जीवन में अगर कोई हनन हो रहा है या कुछ चीजें अगर उनको नहीं मिल पा रही है और यदि वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं सरकार के सामने, तो हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसी नीतियां या कानून बनाए जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा वो संविधान के तहत वो लाभ पा सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मंत्री महोदय ने कहा कि संविधान के तहत उनको संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, क्यों उनके साथ में लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है? और मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट पर पक्ष रखा है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इस पर थोड़ा क्लेरिफिकेशन हम चाहेंगे। अभी जो अभी स्थिति है सरकार की, वो अभी इस मुद्दे पे पहुंची है कि हम एक समिति बनाएंगे, वो समिति बेसिकली डेटा कलेक्शन करेंगे और उस डेटा के हिसाब से वो ये देखेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है और उस पर हम क्या संविधान बना के क्या क्या चीजें कर सकती हैं। अभी हम उनके समलैंगिकता के कानूनी घोषित है उसको कानूनी अभी देने के लिए हम अभी ओके नहीं करते हैं, हम पहले देखेंगे कि किस पक्ष के तहत और क्या क्या पक्ष पे इस पे हानि हो रही है, किनको लाभ हो रहा है, किनको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर पूरा संविधान और पूरा देश अगर इस पे ओके करता है कि हाँ समलैंगिकता अवैध नहीं है, शादी अवैध नहीं है, तो हम इस पे जरूर एक कानून बना के उनको उनका संविधान के तहत उनको उनको लाभ देंगे। इस पर पूरक प्रश्न कोई पूछना चाहे? मैं सरकार का नजरिया जानना चाहता हूँ आर्टिकल 377 पे, कि वो जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं वो उनको एक साधारण श्रेणी में देखते हैं या फिर विशेष श्रेणी में देखते हैं? मैं सही करना चाहूंगा थोड़ा, इन्होंने आर्टिकल कह दिया सेक्शन 377। ठीक जी, तो आपका जो प्रश्न है कि हम क्या उन्हें एक विशेष अलग ही प्रजाति के एक मनुष्य के रूप में देखते हैं या एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उन्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं, पर क्योंकि हमारा भारत बहुत ही ज्यादा एंशियंट टाइम से एक फिलॉसफी को फॉलो करता आया है जिसमें समलैंगिकता के बारे में लोग जानते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज द इशू। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में इस चीज को एक्सेप्टेबल बनाया जाए। अलग अलग आप देखेंगे आज के दौर पे जितनी भी युवाओं से रिलेटेड स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, मूवीज हैं, उन सब में कहीं ना कहीं समलैंगिकता का एक एलिमेंट डाला जाता है ताकि लोग धीरे धीरे इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकें। हमारी सरकार इसके विरुद्ध नहीं है, पर हम नहीं चाहते कि जो लोग जो एक्चुअली जो बड़े जनरेशन के लोग हैं, जो पुराने ख्याल रखते हैं, उनको इस देश में रहना अनसेफ और इनसिक्योर फील होने लगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चीज आए लेकिन बहुत धीरे धीरे और लोगों के एक्सेप्टेंस के साथ। एक पूरक प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि उनके महिला बाल विकास मंत्री जी ने खुद यह बयान दिया है कि आर्टिकल 377 से संबंधित जो न्यायिक कार्य चल रहा है वह संस्कृति के खिलाफ है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या संस्कृति है जो किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन करती है, क्योंकि संविधान ने साफ लिखा है कि आर्टिकल 21 किसी भी अपने जीवन साथी चयन करने का अधिकार देता है। महिला और बाल विकास मंत्री जो है हमारी बर्खा जी, उनका यह स्टेटमेंट आया तो जरूर था, पर उनका मोटिव ये नहीं था जो आपने समझा है।
वो कहना कुछ और चाहती थी, वो पोर्ट्रेट किसी और तरीके से हो गया है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं बर्खा जी को खुद माइक देना चाहूंगी। हमारे तेजस्वी विपक्षी साथी का ये प्रश्न है कि आप कहते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं और उसमें जीवन साथी चुनने का अधिकार देते हैं, और आप कह रहे हैं ये संस्कृति के खिलाफ है। क्या है ये संस्कृति? क्लैरिफिकेशन चाहेंगे महिला और बाल विकास मंत्री से। देखिए, आपने इस संस्कृति की बात की तो मेरा मोटिव ये नहीं था कि हम बहुत सारी चीजों पे अपने बायस को रखते हैं, लेकिन संस्कृति का अगर मैं सही परिभाषा देना चाहूँ तो संस्कृति मेरे विचार से वो है जहाँ हम अपने जो मूल है, अपनी जो पहचान है, उसको बचा कर रखने का प्रयास करते हैं। संस्कृति, भारत को हमेशा ही संस्कृतियों का देश कहा गया है। आप पूरे विश्व में देखिए, पाश्चात्य संस्कृति अपनाया जाता है, इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति हम सभी के ऊपर हावी हो रही है। आप जानते हैं पाश्चात्य संस्कृति क्या है? जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, जहाँ अकेले रहना ज्यादा पसंद किया जाता है, जहाँ ये देखा जाता है कि हम किस प्रकार सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। लेकिन भारत में एक संस्कृति बची हुई है, यहाँ पे बड़ों का सम्मान है, यहाँ माता पिता का सम्मान है, यहाँ गुरुओं की पूजा की जाती है, यहाँ पे हर तरीके से अपनी संस्कृति, अपनी विरासतों को बचा कर रखा गया है। तो हम ये हमेशा आह्वान करते हैं कि अपनी भारत की खूबसूरती को बचा कर रखा जाए, क्योंकि हम ही एक ऐसे देश है जिसे भारत के देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो संस्कृति तो हमारी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता को बचा कर रखें। जैसा कि आपने कहा संस्कृति, जैसा कि आपने कहा कि संस्कृति भारत की सुंदरता को दिखाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 के तहत अगर उनको अपने निजता के अधिकार के तहत उनको अपने जीवन साथी चयन करने का अधिकार दिया जा रहा है, तो इससे देश की सुंदरता कैसे खतरे में पड़ सकती है, देश की संस्कृति कैसे खतरे में पड़ सकती है? आप अपने वक्तव्य से दूर भाग रहे हैं। आपने जो बयान दिया था आप कह दिए जी कि गलती से दिया था, या फिर पलट दीजिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है और संविधान के नजरिए से भी देखें तो आर्टिकल 377 के तहत अगर किसी व्यक्ति को जीवन में अपने निजता का अधिकार और साथ में अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के माध्यम से दिया जा रहा है, तो वह कैसे संस्कृति को बाधित कर सकती है? आपने प्रश्न चिन्ह संस्कृति पर उठाया था और मैंने उसी को क्लैरिफाई किया। हमें निजता का अधिकार है, और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि संविधान कब बना? जब हमारा देश, जब हम जागरूक हुए, तब संविधान का निर्माण किया गया, तब हमें अपने अधिकारों के बारे में सही मायने में पता चला कि हमारे अधिकार क्या हैं। हम पहले ये नहीं जानते थे कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, हमारे बेसिक कर्तव्य क्या हैं। तो आज हम अधिकारों की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने अधिकारों को पढ़ा है, हम आज शिक्षित हैं। लेकिन आज से 75 साल पहले हम अपने अधिकारों को नहीं जानते। तो आज ये हम सभी एक नागरिक हैं, हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले, और सभी को मिलता भी है। और आज भारत तो इतना विकसित हो रहा है, क्या 21वीं सदी में आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है, हर एक वर्ग उभर कर आ रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो हम देख सकते हैं कि समलैंगिकता को दर्शाता हो, तो हर किसी को अपने अपने तरीके से सम्मान मिल रहा है। और इस पर हम बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं कि हर किसी को अपना सम्मान, अपना अधिकार प्राप्त हो सके। परंतु आपने संस्कृति पर सवाल खड़ा किया, भारत की वासी होने के नाते और भारत की संरक्षक होने के नाते, एक लोकतंत्र में होने के नाते, मैं आप सभी को मार्गदर्शित करती हूँ कि हमारी संस्कृति कहीं बाधित नहीं बनती है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आप सभी को समान अधिकार प्राप्त है और आप अपने जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चाहे तो एक पूरक प्रश्न और पूछ सकते हैं अपने सवाल पर। जहां तक मैंने और अन्य सदस्यों ने भी गौर किया कि आपने मेरा जो प्रश्न था उसका उचित
सही तरीके से मतलब या उचित तरीके से आपने उसका आंसर नहीं दे पाए। तो आपने जो कहा कि मैंने संस्कृति को बाधित करने वाला थोड़ा गलत जवाब गलत प्रश्न पूछ दिया, ये मेरा वैसा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न था कि आपने कहा आर्टिकल 370 संस्कृति के खिलाफ है, तो उस पर मेरा प्रश्न था कि आप कैसे कह सकती हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन साथी का चुनाव करता है आर्टिकल 21 के तहत तो वह कैसे संस्कृति को प्रभावित कर सकती है। और रही बात अगर आर्टिकल 377 जो है वो उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति समलैंगिक विवाह कर लेता है तो वह क्योंकि वो बायोलॉजिकल रूप से बायोलॉजिकल रूप से माता पिता नहीं बन सकते, तो उनसे अनाथालय में वो अपने बच्चों को ले सकते हैं गोद। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि आज कई संख्या में जहां तक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है उसमें लगभग 1 करोड़ बच्चे तो होंगे ही जो अनाथालयों में रहते हैं, तो उनको माता पिता भी मिल जाएगा। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये संस्कृति को प्रभावित करती है? प्रश्न में क्लियर कर दूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जहां हम बार बार संस्कृति की बात करते हैं देखते हैं कि जो वृद्धाश्रम है और जो अनाथ बच्चों के आश्रम है उनमें पालने में हर दिन कोई ना कोई एक बच्चा डाल करके जाता है। तो आज जब हम बायोलॉजिकल माता पिता बनने की बात कर रहे हैं कि समलैंगिकों का बायोलॉजिकल माता पिता बनना संभव नहीं है, लेकिन यदि वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं तो क्या वो एक अनाथ बच्चे को गोद नहीं ले सकते और क्या इस मुद्दे पर वो एक नया हमको एक इनिशिएटिव नहीं मिल सकता, ये इनका प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि इसको क्लियरिफाई। आपका जो क्वेश्चन है कि एक ऑर्फन को अडॉप्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि एक समलैंगिक विवाह से निकल सकती है, कोई दोमत नहीं है कि ये बहुत अच्छा पहल होगी अगर समलैंगिक विवाह हो जाते तो। हम युद्ध या पक्ष में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हमारी तरफ से जो भी पास किया गया है उनका मतलब ये कभी नहीं था कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ये गलत है। जो इनका शब्द उन्होंने यूज किया था संस्कृति, वो उससे उनका यह तात्पर्य था जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत जनरेशन एक पर्सपेक्टिव को लेकर चलती आई है, तो हम उसको बहुत सडनली चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कोर्ट में भी ये केसेस अभी तक कंटिन्यूड है और ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेंट केसेस हैं, ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं। बहुत सालों से इसमें फेवर और अगेंस्ट दोनों ओपिनियन रखे गए हैं। हमारी सरकार ऐसा वही पाथ लेगी जो हमारी जनता के लिए और जो हमारे देश के लिए बहुत सही और जरूरत की चीज होगी। अगर समलैंगिकता की जरूरत है, ऐसे विवाह को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तो कोर्ट उस पर फैसला देगा और वो चीज लागू होगी, चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस चीज को एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि जुडिशरी जो फैसला लेती है वो पक्ष विपक्ष सबको देख कर लेती है चाहे। और यहाँ पर संस्कृति का अगर कोई सवाल हो तो संस्कृति कहीं नहीं कहती कि ये गलत है या ये सही है, संस्कृति वो कहती है जो लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारा समाज मेजोरिटी में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आज नहीं तो कल वो जरूर लागू होगा। और हमारी पार्टी लोगों की भावनाओं का उनके पर्सपेक्टिव का सपोर्ट करती है। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है या अगर आप इसलिए कंसर्न है कि ऑर्फन्स को अडॉप्ट करने की अपॉर्चुनिटी, तो ऑर्फन्स को ऐसे भी अडॉप्ट किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है और हम वर्ल्ड में टॉप लेवल पर आ चुके हैं, तो इसके लिए वैसे भी चाहे समलैंगिक हो या ना हो लोगों को वैसे भी अडॉप्शन को एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। तो आप इस बारे में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी आप इस बात को प्रचलित कर सकते हैं। और इस बारे में मिस्टर अर्जुन कुछ कहना चाहेंगे? जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। लीडर ऑफ द हाउस ने बहुत बढ़िया तरीके से इस बताया कि संविधान के निर्वचन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है और न्यायपालिका जो भी डिसीजन देगी वो सरकार को मंजूर होगा। मैं इस मैटर में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा आप लोग से।
क्योंकि ये मैटर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है तो हमको दोनों ओपिनियन की तरफ से अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा, हम नैरो माइंडेड बन नहीं सकते इस मैटर को लेके। तो क्योंकि एक हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा रहा है स्टार्टिंग से, बट जो आज का जो आज की जो ट्रेंड है या कह लें आज की जो एटमॉस्फियर है सेक्सुअलिटी को लेके, कि सेक्सुअलिटी चेंज हो जाती है लोगों की और अचानक से परिवर्तन आ जाता है, ये एक बहुत ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारे कल्चर में इसको दूसरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया, हमारे स्क्रिप्चर्स में हो चाहे दूसरी चीजों में, और क्योंकि ये आज का जो ये कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वहां पे जो है फैमिली के रूट्स वीक होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमको ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या कहीं हमारे कंट्री के लिए फॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली की सिस्टम है, और क्योंकि जॉइंट फैमिली की सिस्टम हमारे इंडिया में है तो बचपन से ही हमें कल्चर और अपने रूट से क्लोज रखा जाता है, और ना ही हमारे अंदर कुछ ये सेंस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कुछ ऐसी मानसिक चीजें उठ जाती है या हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं अपने सेक्सुअलिटी को लेकर या अपने स्टेट ऑफ माइंड को लेकर। ये चीजें जो है अभी इसलिए उठ रही है क्योंकि हमारा जो कंट्री है अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की तरह से बढ़ रहा है, और हम बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट्स फाइंड आउट की उसमें पता चला कि हम आज बहुत ही ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, और क्योंकि परिवारें छोटी हो रही है तो हमारा बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, एम्बिग्विटी जो होती है हमारे माइंड में उसको शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है, तो हम अपने फिलोसफी को ही रियलिटी मानना चालू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेक्सुअली मैलिएबल लोग होते हैं लोगों को बहुत देर से अपना जो जेंडर है वो पता चलता है कईयों को, बट ये आजकल एक मानसिक विकृति का भी रूप लिए जा रहा है। ये चीज जो है एक होता है कि बचपन से आप अगर किसी जेंडर से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और एक होता है कि विद ड्यू प्रोसेस आपके माइंड में एक स्टिमुलस हो जाए और आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप उस जेंडर से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ एक बचपन की ट्रॉमा हो जो आपने किसी से शेयर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज से करीब दो तीन जनरेशन पहले हमारी फैमिलीज बड़ी होती थी तो हम अपने ट्रॉमाज हो चाहे अपने सेल्फ डाउट्स हो हम अपने बड़ों से शेयर कर पाते थे और एक क्लैरिटी जान पाते थे हमारे कल्चर के पर्सपेक्टिव में या फिर अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव में, बट क्योंकि फैमिलीज छोटी हो गई तो हम शेयर नहीं कर पा रहे और एक डाउट जो है हमारे माइंड में ये क्रीप अप हो जाता है और ये पनपने लगता है कि क्या पता मैं शायद दूसरे जेंडर का हूं, मैं इस जेंडर से रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी डाउट हमारे दिमाग में आने लगती है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते ये चीज मैंने भी अपने कई रेनाउंड एथलीट्स में फाइंड आउट किया है कि अचानक से क्योंकि वे वर्ल्ड टूर करते हैं और फैमिली से काफी दूर रहते हैं तो उनके माइंड में भी ऐसी ऐसी बातें कभी कभी पनप उठती है, बट इन चीजों को हमको एक ब्रॉड माइंड के साथ एक्सेप्ट करना है कि अगर ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि हम इन चीजों को एक फ्रीडम देने की बात करते हैं तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये उठ रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन का कारण जो है वो ये है सेक्सुअल एम्बिग्युइटी, जिसमें हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि हम किस सेक्स से रिलेट कर पा रहे हैं, किनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या किनको अपना लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं। तो जो हमारे संस्कृति का जो हमारे संस्कृति में जो बताए गए हैं जेंडर्स वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और आज जो ट्रेंड चल रहा है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और ये श्योर करना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो एक जो क्वेश्चन है हमारे माइंड में ये कहीं कुछ हमको नेगेटिव दिशा में ना ले जाए बल्कि एक पॉजिटिव दिशा में ले जाए। हमारी गवर्नमेंट हमेशा ऐसे जेन्युइन केसेस के साथ में है, अगर आपको जेन्युइन तौर पर लगता है कि आप उस जेंडर से रिलेट नहीं कर सकते हैं और कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है तो हम उसको आपको खुली भाव से स्वागत करेंगे, और हम आपके लिए एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर के कैपेसिटी से मैं अगर बोलूं तो हमारा ये प्लान अभी बन रहा है, अभी जल्दी आपको पता चलेगा कि हम स्पोर्ट्स में भी थर्ड जेंडर को प्रमोट करना चालू करेंगे धीरे धीरे, ताकि उनको एक पूरी तरीके से एक उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले और वो अछूते ना रहे हमारे सोसाइटी से और स्पोर्ट्स में भी उनका एक मुकाम बने थर्ड जेंडर के रूप में। तो ये हमारे इनिशिएटिव है जो जल्द ही आने वाले हैं, और आप सब निश्चिंत रहें, हम सब एक ही संविधान के बच्चे हैं और हम एक ही देश के नागरिक हैं और हम सबके लिए वो संविधान लागू होगा जो हर किसी के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।
बढ़िया तरीके से मंत्री महोदय ने एलजीबीटी कम्युनिटी के भी विषय को उठाया और मुझे लगता है कि आज सदन संतुष्ट होगा इस कार्रवाई से। कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, लेकिन भारतीय परंपरा में एक बात यह भी कही गई थी कि यदि निंदा प्रस्ताव आता है तो उसके बाद एक विश्वास प्रस्ताव भी आना चाहिए। तो हम पहली बार संसद के इतिहास में और युवा संसद के इतिहास में एक सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव पारित कराने की बात कहेंगे। यदि आप सभी समर्थित हैं तो इस सरकार के साथ चाहते हैं कि इस सरकार मंत्रिमंडल में रहे, तो आप कहेंगे आयस, अदरवाइज आप कहेंगे नो। तो मैं सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखता हूँ कि क्या आप मंत्री परिषद के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं? आयस, नोज, सरकार बनी रहेगी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और अब मैं माननीय मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि अपनी मंत्री परिषद के साथ अपने अपने स्थान ग्रहण करें और माननीय लोकसभा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आज की कार्यवाही को स्थगित करें, क्योंकि कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपनी आसंदी को ग्रहण करें। आज की कार्यवाही कल सृजन सर के खास 9:30 बजे तक स्थगित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना शानदार ये आयोजन होगा। हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्लास में पार्लियामेंट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानने के लिए एक युवा संसद के आयोजन की बात कही थी, और यहाँ पे मुझे इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप लोग इतने शानदार तरीके से, मुझे भी नहीं पता था कि आप लोगों के अंदर इतने सारे पक्ष हैं, जैसे अर्जुन ने कहा और बाकी मंत्रिमंडल ने। मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पर हम इस मंच पर आयोजित कर पाए हैं, और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी ही एक ऐसा मंच है जो इस तरीके के, और पहली बार मुझे लगता है इतिहास में ऐसा हो कि कॉलेज में आपको देखने को मिलता है, स्कूल में देखने को मिलता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के जो बच्चे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको वाकई प्रशासन शासन की जानकारी होनी चाहिए, वो सामने आए हैं। और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।